Greetings! Welcome to me and Taro. तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. आज है वेंसडे 15 जून. हम करने वाले उसके बारे में रीडिंग. ठीक है, तीन ऑप्शन ने लिए हैं, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. किटन सभी उठ गए हैं तो आप उनकी आवाज सुन सकते हैं. और कल दो और किटन्स मुझे मिल गए, थोड़े से बड़े हैं इनसे, वो भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और ये भी है यहाँ पे. देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ रही है. ठीक है, चलो हम करते हैं ट्रेडिशनली कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. जो पहला कार्ड हमें मिल रहा है वो है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द सिक्स ऑफ वांड्स. ओके, एज यू कैन सी दैट इज द रीडिंग ओवर हियर. सिक्स ऑफ वांड्स का मतलब है यहाँ पे कि कोई पर्सन रेडी है विक्ट्री पाने के लिए. ठीक है, विक्ट्री पाना एरीज योर सैज. कहीं ना कहीं यू नो ये पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों मिलके किसी एक चीज़ के ऊपर काम शुरू करें. ठीक है, अगर आपके मन में है कि भाई हमें कोई चीज़ परचेज करनी है, फिर कुछ चीज़ की प्लानिंग करनी है, अगर किसी का ईगो आड़े आ रहा था इनका खुद का या फिर आपका, तो बैठ के उस ईगो को साइड में करें. ठीक है, मे बी अगर ये आपसे खफा है तो आपसे माफ़ी ही मांग सकते हैं, या फिर अगर बहुत दिनों से उन्होंने ट्राई नहीं किया है आपसे बात करने का तो शायद आज बात करने के मूड में हो सकते हैं. देखो, इन शॉर्ट ये कार्ड ऐसा कन करता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से खफा थे तो आप दोनों वापस से जुड़ सकते हैं. ओके, जिससे कि आप दोनों खुश हो जाएं. अब अगर आपकी खुशी है बात ना करने में तो वही हो सकता है, और अगर आप दोनों को लग रहा है कि हाँ एटलीस्ट किसी का कॉल आना चाहिए तो वो कॉल आपको आ सकता है. तो ये कार्ड इसके बारे में है. सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द लवर्स. एज यू कैन सी ये है जेमिनाई. ठीक है, जेमिनाई कार्ड के लिए जो आ गया है साइन के लिए द लवर्स कार्ड, आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जो कि उन्होंने कभी बताया था कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, इन वर्ड्स इन टर्म्स. ठीक है, ये बात यहाँ पे मैटर करती है. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपसे कुछ बातें शायद कह नहीं पा रहा है, बिकॉज जज्बाती है, शाय है, वट एवर यू कैन से, लेकिन ये फीलिंग उसके दिल में ज़रूर है. ठीक है, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई हाँ मैं इनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसे अभी उन्होंने बताया था जब अपनी इमोशंस उन्होंने आपको बताए थे थ्रू कॉल या फिर थ्रू पर्सनल मीटिंग. ठीक है, अब देखो ये जनरल रीडिंग है तो ये पर्सन जरूरी नहीं कि ये पर्सन आपका करंट साथी हो. ठीक है, ये शायद उसके बारे में भी हो सकता है कि जो कभी आपके बारे में सोचा करता था या फिर जो आपकी जिंदगी में आने वाला है. ओके, देखो ये वाइब्रेशन जब आप फील करते हो कि हाँ मुझे इनसे कुछ तो महसूस हुआ, ये उनके बारे में होता है. तो दिस पर्सन कुड बी एनीवन हु वांट्स टू बी विथ यू. और जब ये फीलिंग दोनों की म्यूचुअल हो जाती है तो किसी ना किसी रूप में आके आपको मिलते जरूर हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं क्या है. एंड ये है वो कार्ड, दैट्स ऑल अबाउट द सेवन ऑफ वांड्स. ठीक है, पहले सिक्स वांड आ गया, अब सेवन वांड्स आ गया, सेवन ऑफ वांड्स, इट इज लियो सैज. देखो ये पर्सन एक्चुअली यू नो किसी बातों से घिरे हुए हैं. ठीक है, हाँ उन बातों में अगर आप आ रहे हो, फिर किसी ने इनका मजाक उड़ाया था आपको लेके, तो उसको लेके वो शायद थोड़े से सीरियस भी हो सकते हैं. ओके, अगर किसी को लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा यू नो बदल गया है, तो शायद उसके लिए रीज़न था कि जो आसपास के लोग थे, आजू बाजू के लोग, वो थोड़े से इनके ऊपर या फिर आपके ऊपर नाराज थे, या फिर कुछ कमेंट्स पास कर रहा था ये उनको समझ में या फिर अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक, बिकॉज ऑफ दैट शायद इन्होंने आपसे दूर जाना ही पसंद किया होगा. देखो कुछ लोग कपल होते हैं कि जो लोगों से अपनी असलियत छिपाते हैं, एंड कुछ कपल को अच्छा नहीं लगता कि कोई इनके बारे में बातें करे, तो इससे अच्छा होता है कि वो बात करना ही बंद कर देते हैं. ठीक, सो मे बी किसी पर्सन के गुस्से का परिणाम भी आपके रिश्ते पे शायद हो सकता है. नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ कप्स. ये आज भी बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. ये आज भी अगर आप कहें तो उसी तरीके से आपसे बातें करेंगे. ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे यू नो नाराजगी वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आपने इनको पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, जैसे ही है अगर ये सिचुएशन के कारण बदल चुके हैं तो हाँ आपको
सिचुएशन भी देखनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि आप बदल ही नहीं सकते, ओके, ये कहना जरूरी या फिर लाजमी नहीं होगा, बिकॉज हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से सिचुएशन सामने करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी, अगर आप वहाँ पे होते और आपने ये सारी चीज़ें सुनी होती या फिर आप इनसे गुजरे होते तो आप क्या करते, और जब ये आपके रूप में होते तो ये क्या करते, आपको शायद नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है जजमेंट। आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन जो है वो जजमेंट पास कर चुके थे, लेकिन फिलहाल आप भी जजमेंट पास कर रहे हैं। ये शायद इसलिए है बिकॉज मे बी आप अपने किसी फ्रेंड से इनके बारे में बातें कर रहे हो कि भाई इन्होंने जो किया क्या वो सही किया, इन्होंने आपका साथ निभाना चाहिए था, या फिर दिस पर्सन हैज मूव्ड ऑन। तो ये जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। तो मे बी इन्होंने जजमेंट पास किया था कि हाँ किसी ने कुछ कहा तो अभी मुझे रुकना चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं पर ये जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये आई थिंक आपको बोल रहे हैं दैट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हालांकि अगर आप भी जजमेंट दे रहे हो तो आपके हिसाब से भाई ये कहीं पे गलत है, कहीं पे सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। हम एक दो कार्ड्स और देखते हैं। देखो ये आ गया नेक्स्ट कार्ड, एंड दैट्स ऑल अबाउट द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जजमेंट कार्ड अगर आ गया है तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है, ठीक है। मतलब कोई सही हो या गलत हो, अगर आपने कहा सही तो 100% सही, और अगर कोई गलत है तो आपने कहा कि 100% गलत है, ठीक है। वेयर किंग ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, दिस इज द किंग, बट बिकॉज उसके पहले आ गया था जजमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे बातें पूरी तरीके से बंद हो सकती हैं। वो हालांकि शायद दो तीन दिन से या दो तीन हफ्ते से आप इनसे बात करना बंद कर रहे हो, फिर दिस पर्सन हैज स्टॉप्ड टॉकिंग टू योरसेल्फ, या फिर इन्होंने ही बात करना बंद कर दिया है, या फिर ये पर्सन अभी लगातार कांटेक्ट में है कि मुझे बातें करनी है, मुझे कॉल करना है, ठीक है। डिपेंड्स कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और आप अभी क्या फील करते हो। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, एंड ये है रिगार्डिंग टू ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपको बार बार बताना चाहते हैं कि आज भी उनकी फीलिंग बिल्कुल वैसी की वैसी है। हालांकि अगर आपने कुछ इनको कहा होगा या फिर जजमेंट अगर पास किया होगा तो शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसने किस तरीके से वो अपना मैसेज जो है वो थ्रू सोशल मीडिया हो, थ्रू योर फ्रेंड्स हो, आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो, डिस्कस करते हैं साइड में, ठीक है, चलो। And we will move on to the oracle. देखते हैं oracle से हमें क्या reading मिलती है। चलो हमें सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनने हैं, ठीक है। यह गया पहला कार्ड, उसके बाद finding inspiration, ठीक है। भाई यहाँ पे आप दोनों के लिए इंस्पिरेशन क्या है, वो जो मोमेंट है जो आपने दोनों के एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं वो है, या फिर कि भाई आपकी अभिलाषा कि ये आपके साथ हमेशा रहे और आपको बिल्कुल भी ना छोड़े। सेकेंड जो कार्ड है वही कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप दोनों ने यस एक दूसरे को एडमायर किया था या फिर किसी को सच में एक्सेप्ट किया था तो अब क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस मैटर करता है। अगर आप किसी और के बहकाव में आके इनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, ठीक है। शायद ही बात आपके साथ जैसी हुई उनके साथ भी हुई है, किसी ने शायद इनके कान भरे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, वही हीलिंग। आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है, जैसे कि इस पर्सन को भी, इस पर्सन ने आपके ऊपर अगर कोई कमेंट किया होगा या फिर अंदर ही अंदर अगर घुटन सी महसूस कर रहे हैं तो इस घुटन से इनको बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो जैसे किसी ने उनको कुछ कहा या फिर ये अपने आप ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों आपकी तरफ से कॉल बैक नहीं हो रहा या फिर क्यों ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर खुद को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो पहली बार इनको हील करना चाहिए। अगर ये हील नहीं होंगे तो आपके पास नहीं आएंगे, और अगर आपके पास आते भी हैं लेकिन वुंडेड है तो आप भी शायद इनकी हेल्प नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है विड्रॉन। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है फिर इससे रिश्ते में विड्रॉन करना ही पसंद करें कि भी हमें कुछ दिन तक या कुछ महीने तक कांटेक्ट नहीं करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ लोग इसके कारण एक दूसरे के एक्स भी बन सकते हैं। हालांकि रीजन कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि जवाब नहीं है फिलहाल और लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति जवाब नहीं देना चाहता तो गलतफहमी इतनी बढ़ती है कि कोई एक दूसरे का विड्रॉन यानी कि एक्स भी बन चुक सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है कम्युनिकेशन। तो या तो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बंद हो रहा है या फिर शुरू हो रहा है। देखो इस पर्सन के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन आना चाहिए तो आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, उनके हिसाब से यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द सेम। अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो
चुनते हैं कुछ कार्ड, 1, 2 and 3, ठीक है, तीन कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो बेहतरीन रास्ता है आपको चुनना चाहिए, ठीक है, कि भाई हम कम्युनिकेशन करें या फिर कुछ दिन के लिए शांत रहें, और शांत रहने के बाद अगर आप वापस से कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ, एक्सेप्टेड। और अगर नहीं, ये मानना कि दूसरे के एक्स बन चुके हैं लेकिन वो भी अगर एक्सेप्टेड हैं तो वो सही, आप दोनों का हैप्पीनेस मैटर करता है। सेकेंड जो कार्ड है वो डर, कहीं ना कहीं एक दूसरे को खोने का डर है, या फिर कि भाई कहीं कोई किसी का एक्स ना बन चुका है, ये भी डर है, किसी किसी को कोई सीक्रेट्स ना एक्सपोज कर दे, वो भी शायद डर लग रहा है। तो ये भी जैसा कि आप डर रहे हो, ये भी पर्सन डर रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने गलती की है तो आप इनसे बातचीत जरूर कर सकते हैं। हैव योर फ्रेंड्स बाय योर साइड, हैव योर फैमिली बाय योर साइड, तो आपको कुछ जवाब इनसे डेफिनेटली मिल जाएंगे, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मन की गहराई, एक्चुअली क्या चल रहा है इनके मन में ये आपको जानने की सख्त जरूरत है। कई बार लगता कुछ और है और होता कुछ और है, जो इंसान सख्त लगता है वो कई हुई मोम जैसा होता है, और इसके उल्टा भी हम देख सकते हैं। तो कभी कभी किसी को अंडरस्टैंड करने में गलतियां हो सकती हैं, अगर इस पर्सन को सच में आपकी जरूरत है तो आपको इनकी तरफ जाने की जरूरत है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।